afternoon, guys. My name is Sapna Dhamija. I'm one of the IELTS experts at YIP platform. अभी तक हम लोग स्पीकिंग के कंटेंट को समझ रहे थे. आपने बहुत बार मेरी स्पीकिंग वीडियोस देखी हैं और वो कंटिन्यू भी हैं. बट उन स्टूडेंट्स डिमांड, मुझे स्टूडेंट्स बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मैम रीडिंग के टिप्स भी दीजिए, रीडिंग के कुछ टिप्स बनाइए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप से. जैसा कि आप सब रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन जो है वो रीडिंग पैसेज में हर बार पूछा जाता है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हाउ टू अटेम्प्ट. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को गेस से करते हैं कि येस इम्प्लीमेंट कर दिया बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में, या फिर नो इम्प्लीमेंट कर दिया थी कुछ तो करेक्ट होगा. बट अडॉप्ट अ राइट स्ट्रैटेजी. सो क्यों ना हम एक सही टेक्निक और टिप का इस्तेमाल करें जिसकी हेल्प से आपका जो येस नो नॉट गिवन जो है वो करेक्ट हो जाए. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर येस नो नॉट गिवन एंड कमिंग आई विल मेक द सीरीज फॉर दिस. सो आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए एंड आई एम डैम श्योर दिस गोना प्रूव हेल्पफुल फॉर यू. सो आज का जो हमारा पैसेज है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्लाइमेट. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि पैसेज को पढ़ने से दे विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर. इफ दे आर डूइंग दिस थिंग देन दे आर डूइंग अ मिस्टेक. आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए. सो हमारा जो क्वेश्चन टाइप है, रेफर टू रीडिंग पैसेज गिवन अबव, शो वेदर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय सर्कलिंग ए फॉर ट्रू, बी फॉर फॉल्स. इफ द पैसेज डज नॉट से, यानी कि नॉट गिवन, सर्कल सी. जनरली पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, सर्कल नहीं कराया जाता है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहां पर आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन लिखना होता है. एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप ट्रू अगर कर रहे हैं तो पूरा ही ट्रू लिखें, और अगर आप फॉल्स कर रहे हैं तो पूरा ही फॉल्स लिखें, और अगर आप नॉट गिवन लिख रहे हैं तो पूरा ही नॉट गिवन लिखें. सो देर इज अ मिस्टेक हेयर विच आई विल मेक यू करेक्ट. हमें ऊपर क्वेश्चन टाइप में येस नो नॉट गिवन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन पूछा जा रहा है. सो आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है. अगर आपको येस नो नॉट गिवन दिया हुआ है तो आपको आंसर भी येस नो एंड नॉट गिवन में ही देना है. येस नो और नॉट गिवन. अगर आप ट्रू फॉल्स को येस नो नॉट गिवन में आंसर कर रहे हैं तो भी रॉन्ग है, और अगर आप येस नो नॉट गिवन को आंसर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कर रहे हैं तो भी रॉन्ग है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हालांकि दोनों क्वेश्चन टाइप सेम है बट उनका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. येस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सो जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जेम्स हैंसन प्रिडिक्ट्स that the shift in climate zone will be accompanied by a successful migration of trees. So, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कोई ऐसा कीवर्ड निकालना है जो आप आराम से अपने पैसेज में ढूंढ सकते हैं. सो क्वेश्चन को समझने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड. आप स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करके कीवर्ड फाइंड आउट करिए. जैसे ही आप इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे, I'm reading this. सो जैसे ही आप इसको रीड कर रहे हैं तो रीड करते करते यू विल फाइंड द नेम. ये देखिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जेम्स हैंसन. सो इट मींस ये हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे हमें फोकस करना है. नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्योंकि आपको अपना कीवर्ड मिल गया है, अब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, जेम्स हैंसन प्रिडिक्ट्स दैट द शिफ्ट इन क्लाइमेट जोन्स विल बी अकम्पनीड बाई अ सक्सेसफुल माइग्रेशन ऑफ ट्रीज. कि उनका ये वो ये प्रोडिक्ट कर रहा है, जो जेम्स हैंसन है ये वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट जोन में जो शिफ्ट आ रहा है वो किसके थ्रू होगा, सक्सेसफुल माइग्रेशन ऑफ ट्रीज. सो दिस इज आवर क्वेश्चन कि जो ये शिफ्ट होगा वो सक्सेसफुल माइग्रेशन ऑफ ट्रीज के साथ होगा, अकम्पनीड बाई. तो वापस आप रीडिंग पैसेज के उसी लोकेशन पर जाएं जहां पर आपने कीवर्ड को अंडरलाइन किया है. सो विल स्टार्ट रीडिंग दिस.
क्लाइमेटोलॉजिस्ट जेम्स हैंसन ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी नासा प्रिडिक्ट्स, सो आपके सारा कीवर्ड मिल गया है, क्लाइमेट जोन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल्स बाय 50 to 75 किलोमीटर्स अ ईयर फास्टर देन ट्रीज कैन नेचुरली माइग्रेट. स्पीशीज दैट फाइंड देमसेल्व्स इन एन अनफेमिलियर एनवायरमेंट विल डाई. सो यहाँ पे आपने समझा कि जो जो ये यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो क्लाइमेट शिफ्ट होगा पोल्स बाय 50 to 75 किलोमीटर्स अ ईयर फास्टर देन ट्रीज कैन नेचुरली माइग्रेट, माइग्रेट होंगी वो स्पीशीज दैट फाइंड देमसेल्व्स इन एन अनफेमिलियर एनवायरमेंट विल डाई. अब हमारे क्वेश्चन में था कि वो सक्सेसफुल माइग्रेशन होगा, बट वहां पर तो क्या हो गया, विल डाई. दिस इज अ सिचुएशन ना, विल डाई. तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे, माइग्रेशन तो होगा बट अनफेमिलियर एनवायरमेंट में दे विल डाई. सो आंसर हमारा क्या होना चाहिए यहां पर, राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स आंसर क्या होना चाहिए, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दैट आंसर वुड बी नो. यानी कि हमारा जो है आंसर यहां पर, हमारा जो आंसर क्वेश्चन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सो डेफिनेटली आंसर विल बी नो. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सम फैक्टर्स मे स्लो ग्लोबल वार्मिंग. सो यहां पर हमारा जो कीवर्ड क्या होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, एंड सम फैक्टर्स भी हमारा एक कीवर्ड हम ले सकते हैं. सो जस्ट गो टू द पैसेज. अब हमें यहां पर ढूंढना है वो दैट इज कुछ फैक्टर्स या फिर ग्लोबल वार्मिंग. जहां पर हमने खत्म किया था हम उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की बात कहां पर कर रखी है, हमें फैक्टर्स की बात कहां पर कर रखी है. सो रीड दिस केयरफुली, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. सो आई हैव गॉट माय कीवर्ड, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट. सो व्हेन आई हैव गॉट दिस तो इट मींस कि मुझे अपना आंसर जो है यहीं कहीं मिलेगा, because I have just picked the word global warming. जैसे ही मुझे अपना keyword मिला then I will read the question. Question is that some factors may slow global warming. कि कुछ factors global warming को slow कर सकते हैं. So we'll read the information. अब कुछ student क्या mistake करते हैं कि जैसे ही उनके global warming उन्हें word मिला तो वो यहीं से read करना start कर देंगे, but don't do this. एटलीस्ट आप वहां पर एक एस बनाकर उस दायरे के अंदर ही क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. सो ग्लोबल वार्मिंग से जो पहले फुल स्टॉप है हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है. देर आर डजन ऑफ अदर पॉसिबल फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म्स, हायर टेम्परेचर्स विल फ्यूल कंडेंसेशन एंड इंक्रीज क्लाउडीनेस विच मे एक्चुअली डैम्प डाउन ग्लोबल वार्मिंग. डैम्प डाउन इट मीन स्लो डाउन, सो राइट. सो यहां पर हायर टेम्परेचर्स विल, जो हायर टेम्परेचर है वो कंडेंसेशन को फ्यूल करेगा एंड इंक्रीज क्लाउडीनेस विच मे एक्चुअली डैम्प डाउन ग्लोबल वार्मिंग. सो इट मीन्स कि बिल्कुल फैक्ट बोला है यहां पर. सो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, यस, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्बेडो इफेक्ट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. सो कीवर्ड हमारा यहां पर क्या है, अल्बेडो इफेक्ट. इसको ढूंढना बहुत आसान है. सो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में अपने कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे. हमने खत्म किया था ग्लोबल वार्मिंग पर, हमें जाना है अल्बेडो इफेक्ट पर. सो जैसे आप स्कीमिंग स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपको ठीक नेक्स्ट लाइन में अल्बेडो इफेक्ट मिला, अंडरलाइन कीजिए उसे अच्छे से. देन अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द अल्बेडो इफेक्ट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, कि ये जो इफेक्ट है उसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में मेजर किया जाता है. सो जस्ट रीड इट इन द पैसेज. सो अदर लाइक अल्बेडो इफेक्ट विल डू द अपोजिट. द अल्बेडो इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सर्फेस. सो देखिए यहां पर इन्होंने अल्बेडो इफेक्ट के बारे में बताया है कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है
जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के सरफेस के द्वारा. दिस इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस. आगे भी आप थोड़ा रीड कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है. एज नॉर्दर्न आइस एंड स्नो मेल्ट्स एंड द डार्कर सी एंड लैंड पोक्स थ्रू मोर हीट विल बी एब्जॉर्ब. सो हमें आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमें अपनी बात का जवाब मिल गया है. क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पूछा है यूनिट की मेजरमेंट की बात, और जब हम यहाँ पर उस कीवर्ड को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट की कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई है. इट मीन्स आंसर वुड बी नॉट गिवन, राइट. सो दिस इज वेरी इजी ना. सो क्वेश्चन नंबर फोर द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर अननोन. सो द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर अननोन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. सो अभी दोबारा से हमें फाइंड आउट करना है ग्लोबल वार्मिंग, बेसिक फैक्ट्स और अननोन. यहाँ पर हमारा बेसिक फैक्ट कीवर्ड हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग है कीवर्ड, अननोन है कीवर्ड. सो हाउ टू डू दिस. हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे. हमें ढूंढना है ग्लोबल वार्मिंग, बेसिक फैक्ट्स. सो ये सारी चीजें व्हाट विल हैव टू डू. जहां पे भी ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम ऊपर सारा ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते आ रहे हैं तो हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एज नॉर्दर्न आइस एंड स्नो मेल्ट एंड द डार्कर सी. आप सारे को फटाफट से आपने क्या करना है, स्कीमिंग स्कैनिंग करनी है. साइंटिस्ट कंटिन्यू टू थिंकर अवे विद देयर कंप्यूटर मॉडल्स बट द बेयर बोन्स फैक्ट्स आर क्लियर. सो ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज की बात हो रही है. सो यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला है, बेयर बोन्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहेगा कि बेयर बोन्स क्या होता है. देखिए हमारे क्वेश्चन में फैक्ट्स की बात हुई है. सो क्वेश्चन इज दैट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर अननोन. कि जो ग्लोबल वार्मिंग के बेसिक से फैक्ट्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के बेसिक फैक्ट्स हैं वो अभी अननोन है. तो ग्लोबल वार्मिंग का ही हम ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग सेकेंड पैराग्राफ में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. यहां पर आकर क्लियर हो गया. साइंटिस्ट कॉन्टिन्यू टू थिंक अवे विद देयर कंप्यूटर मॉडल्स बट द बेयर बोन्स फैक्ट्स आर क्लियर. कि जो अभी वो कॉन्टिन्यू जो है ना वो अभी इसको कर रहे हैं, लेकिन जो बेयर बोन्स, जो इसके बिल्कुल आधार, जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्लियर है. जबकि हमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो अननोन है. अननोन मतलब अनफेमिलियर. इट मीन्स कि अभी वो क्लियर नहीं है. तो इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है हमारे पैसेज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. देन आंसर वुड बी फॉल्स, बी फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजप्शन. डेवलप्ड वर्ल्ड हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजप्शन. सो व्हाट विल हैव टू फाइंड आउट. कि एनर्जी कंजप्शन के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे. हम लोग डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज को ढूंढ सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन को ढूंढ सकते हैं. रिड्यूस या डिक्लाइन वर्ड हमारा की वर्ड हो सकता है. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इन द पैसेज. सो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप किया था, बेयर बोन्स फैक्ट. हम दोबारा से स्कीमिंग स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आपने कॉन्टिन्यूसली रीड करते रहना है जब तक आपको डेवलप्ड वर्ड या एनर्जी कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं. यस, सो दिस इज आवर कीवर्ड, डेवलप्ड वर्ड, राइट. जैसे ही आपको अपना कीवर्ड मिला, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन को दोबारा से फोकस करें. द डेवलप्ड वर्ड हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजप्शन. डेवलप्ड वर्ड ने डिसाइड किया है एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने का. सो देखिए पैसेज में क्या ये बात मैच होती है. इन द डेवलप्ड वर्ल्ड prosperity has been built on 150 years of cheap fossil fuels. Oil fires, cars and powers industry, coal generates electricity and indirectly runs dishwashers and VCRs, gas heats water and warm homes and factories, right. So what you have concluded?
कैन यू गिव मी द कैन यू गिव मी कैन यू राइट मी डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स कि आंसर क्या होना चाहिए अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया. इन द डेवलप्ड वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी हैज बीन बिल्ट ओन 150 ईयर्स. कि डेवलप्ड वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी को बना लिया गया है 150 ईयर्स में चीप फॉसिल फ्यूल को लेकर. ऑयल फायर्स, कार्स, पावर इंडस्ट्री, कोल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इनडायरेक्टली रन्स टीवीज, डिश वॉशर्स एंड VCRs. तो देखिए अब यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड जो है ना वो प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है कि प्रोस्पेरिटी हुई है कि वो चीप फॉसिल फ्यूल यूज करके वो सक्सेसफुल हो गए हैं, प्रोस्पेरिटी उन्होंने गेन कर ली है. और जो वो कर रहे हैं ऑयल फायर्स या फिर कार्स या फिर पावर इंडस्ट्री, ये सब चीजें जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी हमारे क्वेश्चन के बारे में मेंशन नहीं किया है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजप्शन. डेवलप्ड वर्ल्ड की बात हो रही है, एनर्जी सोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है. ये देखिए सारे एनर्जी सोर्सेज यहाँ दिए हुए हैं, बट यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि उन्होंने इसको रिड्यूस किया है. अंडरस्टैंड कि कहीं पर भी इसको रिड्यूस करने की बात नहीं की गई है. सो आंसर डेफिनेटली वुड बी नॉट गिवन. सो स्लाइट डिफरेंस होता है. अब आप इसको पढ़ के अगर आप सोचेंगे कि डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रखी है और एनर्जी के बारे में भी बात कर रखी है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ट्रू या फिर फॉल्स होना चाहिए. बट वाई? क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन इज दैट कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना उसने डिसाइड कर लिया है कि एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करना है, डिसाइड कर लिया गया है. बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. यहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड और एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है, कुछ रिडक्शन की बात नहीं हुई है. तो हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हुए जाना है. देन आंसर वुड बी नॉट गिवन. सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर येस नो नॉट गिवन. द स्टेटिस्टिक्स इन दिस लास्ट टू सेंटेंसेस वर सप्लाइड बाय द US Environmental Protection Agency. So very easy keyword. हमें keyword मिल गया, और क्या चाहिए? US Environmental Protection Agency. This is a keyword. और यहाँ पे हमें एक और खास keyword दिया हुआ है, statistics. जहाँ statistics की बात आती है वहाँ पर आपको number देखना होता है. In the last two sentences were supplied by the US Environmental Protection Agency. So keyword बड़ा easy है guys. पहले इस keyword को ढूंढिए, उसके बाद फिर उसमें कोई number दिया हुआ है, statistics दिया हुआ है, तो उसको find out करें. Then हम question को दोबारा से understand करेंगे. Come to the reading passage. This is the last question. So अब यहाँ पर देखिए what mentioned here. आपने सिर्फ US Environmental Protection find out करना है. And now we got this word US Environmental Protection Agency. और उसके ऊपर देखिए आपको statistics भी दिया हुआ है 15%. यहाँ पर आपको time period भी दिया हुआ है 1980s, right? So अब हमारा question बहुत आसान हो गया. आप इसको बिना सोचे समझे भी yes कर सकते हैं, but एक बार read जरूर करिए. The statistics in the last two sentences were supplied by the US Environmental Protection Agency. कि जो last two sentences में उन्होंने statistics दिए हैं, last two sentences के अंदर, और वही बात है, इन्होंने last two sentences में हमें ये देखिए barely 15%. So how will start this? India, China and Brazil, which make up nearly half the world population, accounted for barely 15% of ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग द 1980s अकॉर्डिंग टू. किसने कहा ये बात, किसने बोली? US Environmental Protection Agency ने ये बात बोली. दैट मीन्स कि हमें स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं, लास्ट टू सेंटेंसेज में दिए हुए हैं. सो इट इज प्रूवन. सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी ट्रू. सो आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट सीरीज में अगेन आई विल टीच यू सेम येस नो नॉट गिवन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल. If you like this video, just write me down in the comment section. And if you want more videos like this, then you can just give me suggestion that what type of questions you are looking for in reading. Thank you so much, guys.